Bodybuilding, Naresh Surya Classic New Delhi 2023. नरेश सूर्य क्लासिक में किस बॉडी बिल्डर ने कौन सा मेडल जीता, इसकी कंप्लीट लिस्ट हम लेके आ चुके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं जस्सी राजपूत। इन्होंने नरेश सूर्य क्लासिक में दो डिवीजन में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एंड सेकेंड क्लासिक डिवीजन जिसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्पीक एंड वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं अभिषेक सिंह। इन्होंने भी दो डिवीजन में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी जिसमें ये गोल्ड मेडल जीतते हैं एंड सेकेंड क्लासिक डिवीजन जिसमें ये सिल्वर मेडल जीतते हैं। और इनके कोच हैं मुकेश सिंह गहलोत एंड ये सेरू क्लासिक में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं कपिल। ये खेलते हैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से और इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं अंकित राजपूत। ये खेलते हैं मेंस फिजिक डिवीजन से और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये भी पार्टिसिपेट करेंगे सेरू क्लासिक में। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं अच्छे प्रजापति। इन्होंने भी दो डिवीजन से नरेश सूर्य क्लासिक में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट क्लासिक डिवीजन, सेकंड बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी, जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जो बीच में खड़े हैं वो है अच्छे प्रजापति और ये क्लासिक डिवीजन के टाइम का वीडियो है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे प्रजापति गोल्ड मेडल जीते हैं। उनके लेफ्ट साइड में जो खड़े हैं उनका नाम है अभिषेक सिंह, जिसके विषय में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले अपडेट दी थी कि इन्होंने क्लासिक डिवीजन में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं पास आप अच्छे प्रजापति के जब राइट साइड में देखते हैं तो उनका नाम है जस्सी राजपूत, जिनके विषय में हमने आपको शुरुआत में ही अपडेट दी थी कि इन्होंने क्लासिक डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं और क्लासिक डिवीजन की तरह ये बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीतते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अच्छे प्रजापति भी सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे प्रजापति की इस फिजिक को देख के क्या लगता है, क्या अच्छे प्रजापति बॉडी बिल्डिंग या फिर क्लासिक कैटेगरी में सेरू क्लासिक में प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे प्रजापति के जो साइड में, मतलब कि जो राइट साइड में खड़े हैं उनका नाम है खुराई लकपा और इनकी प्लेसिंग फोर्थ नंबर पे आती है। ये सिद्धांत जायसवाल के स्टूडेंट है और ये भी सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है इंडियन हल्क बादल। ये भी नरेश सूर्य क्लासिक में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इनकी कोई भी प्लेसिंग नहीं आती है। यहाँ पर वो हमको अपडेट देते हुए कि वो केवल वार्म अप के लिए यहाँ पर गए थे, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने इंडियन हल्क बादल भाई भी सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनके कोच हैं मुकेश सिंह गहलोत। हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने बादल भाई जब पिछली बार सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट किए थे तो जो इनकी प्लेसिंग आई थी वो आई थी फिफ्थ नंबर पे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार अपने बादल भाई टॉप थ्री या फिर गोल्ड मेडल जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं ब्लेड हामिद। ये मेंस फिजिक डिवीजन से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये मेंस फिजिक डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये स्टूडेंट हैं सिद्धांत जायसवाल के। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं हैप्पी सिंह। बॉडी बिल्डिंग नरेश सूर्य क्लासिक न्यू दिल्ली 2023 ओवरऑल स्ट्रंग नंबर 708। ये खेलते हैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से और इन्होंने नरेश सूर्य क्लासिक में चैंपियन ऑफ चैंपियन, मतलब कि ओवरऑल टाइटल विनर बने हैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के। अब हम अपने नेक्स्ट डिवीजन के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डिवीजन है मेंस फिजिक डिवीजन। तो मेंस फिजिक डिवीजन में ओवरऑल टाइटल विनर कौन बने, तो उनका नाम है मोहित, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं गौरव खरी। ये खेलते हैं मेंस फिजिक डिवीजन से और इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद गौरव खरी का क्या रिएक्शन रहता है उसको सुन लेते हैं। ओके, आपका इंस्टाग्राम क्या है? गौरव एस्थेटिक के नाम से मेरी आईडी है। अच्छा, इंस्टाग्राम गाइस प्लीज गो फॉलो गौरव एस्थेटिक। और हाउ ओल्ड आर यू नाउ? उम्र क्या है? 31 प्लस। अरे बाप रे, आई थॉट यू विल बी लाइक 25, 26, 28 मैक्सिमम, बट गुड, अच्छी बात है। कितने सालों से कम्पीट कर रहे हैं? कम्पीट मेरा सेकंड साल है। सेकंड साल, ऑलराइट। और जिम काफी पुराना है? जिम काफी पुराना है मेरे, जिम को 1 ईयर हो गया। ऑलराइट गौरव, क्या ड्रीम है आपका आगे?
शुरू में कम्पीट कर रहा हूँ। वो तो ड्रीम नहीं हो सकता, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरे हाथ में है। अच्छा, आपका ड्रीम था हाथ में, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब नरेश सूर्या का गोल्ड मेडल जीतना क्यों ड्रीम था? ड्रीम था बस सर, एंट्री थी इसकी, बंदे कहते थे ऐसे एंट्री होती गोल्ड मेडल उसमें, बहुत अच्छी लगती है, सेक्सी लगती है। तो मैंने कहा यार एंट्री करनी अच्छी वाली, गोल्ड लेके आना, वो दोनों मेरे हाथ में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी स्टेज से उतर। ये नरेश सूर्या में ही होता है इसकी एंट्री, स्पेशल एंट्री। गेम खेलने में बहुत मजा आया। और देखो छोटी छोटी चीजें ना, एथलीट को नीचे बैठने के लिए बोल रहे थे, मना कर दिया उन्होंने, हमारे एथलीट जमीन पे नहीं बैठेंगे क्योंकि उनके लिए ही है स्टेज, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और जब गेस्ट बराबर में आ गए थे तो भी बोला था कि गेस्ट पीछे चले जाइए, आगे एथलीट को रखिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस शो इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट गौरव। थैंक यू सो मच, सी यू इन आईएसएफ। अमेजिंग शो, अमेजिंग, ऑलराइट, नाइस। देयर इज द गोल्ड मेडल, द ड्रीम कम ट्रू। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं राजेश, ये भी खेलते हैं मैच फिजिक डिवीजन से और इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं हिमांशु शर्मा, ये नरेश सूर्या क्लासिक में बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी वेट कैटेगरी में ये ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। इनके कोच हैं मुकेश सिंह गहलोत एंड ये सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने एक फीमेल बॉडी बिल्डर को भी कवर किया है जिनका नाम है प्राची दीक्षित और ये बिकनी कैटेगरी से खेल रही थी और इन्होंने नरेश सूर्या क्लासिक में बिकनी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतती हैं। और सिल्वर मेडल जीतने के बाद इनका क्या रिएक्शन रहता है उसको सुन लेते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से कंपटीशन से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Hey guys, we are here in नरेश सूर्या क्लासिक और हमारा आया है सिल्वर मेडल। हैप्पी विद दैट, फेयर जजमेंट और मतलब बढ़िया था, बहुत प्रॉपर टाइम दे रहे हैं आपको। पोज करने का टाइम मिलता है ना क्लिप को, तो सर लगता है हाँ बढ़िया है, बढ़िया टाइम मिला। तो अच्छा लग रहा है भाई, कुछ नहीं बोल रहा था। थैंक यू मिस्टर नरेश सूर्या सर, फेयर जजमेंट था और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। थैंक यू नरेश सर।